गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं एवरेज यानी औसत का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को एवरेज का 5 क्लास अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें आपके इस असाइनमेंट का 4 टाइप तक फुल कंसेप्ट एंड हाउ ट्रिक के साथ एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया गया है। मैं पहले ही बता देता हूं कि मेरा असाइनमेंट में इस प्रकार से एडजस्टमेंट किया गया कि इसको बनाने के बाद आप किसी भी बुक को बनाइएगा तो बहुत मजा भी आएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हम लोग देखेंगे आपके असाइनमेंट का टाइप 5, बहुत ही छोटा टाइप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग पूरा देखेंगे फुल कंसेप्ट के साथ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं पहले ही बोल देता हूं कि वीडियो को आप लाइक पहले ही कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको इतना अच्छा लगता है कि लास्ट में आप वीडियो पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ने के बाद फिर आप भूल जाते हैं, तो लाइक कर दीजिए। नए विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि मैथ और इन्हीं की पूरी तैयारी की जिम्मेवारी मैंने उठाया और वो लगातार आप सभी को अवेलेबल करवाया जा चुका है। बहुत सारे बुक्स भी समाप्त धीरे धीरे किए जा रहे हैं, आप प्ले लिस्ट भी चेक जरूर करिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, आइए देखते हैं टाइप 5। अब टाइप 5 में बस ये टाइप 5 कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, ये टाइप 5 जो है टाइप 3 और 4 पर ही आधारित है। मतलब समझिए कि जो टाइप 4 जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं टाइप 4 तक, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक या तो ऊपर में आई बटन का लिंक से जा सकते हैं, या वीडियो के अंत में आपको वीडियो का आइकन दिखेगा, वहां से आप जाके देख लीजिए। स्टार्टिंग क्लास से देखिएगा तो आपको मजा आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा टाइप 4 पर आधारित है टाइप 5, और मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। मैं हर चैप्टर जैसे कि रेशियो मैंने पूरा समाप्त कर दिया अपने असाइनमेंट और महेश मिस्त्री से, उसके बाद एवरेज पढ़ा रहा हूं, फिर परसेंटेज पढ़ाऊंगा, फिर प्रॉफिट लॉस, और सभी चैप्टर एक दूसरे पर आधारित रहेगा। कोचिंग से बेहतर तैयारी होगा ये आप भी जान रहे हैं और भरोसा भी आपको हो गया होगा। यहां देखिए, तो सबसे पहले हम कुछ नोट्स लिखे इसको पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार से टाइप 4 बनाए हैं कि टोटल दिया हुआ है, कुछ का दिया हुआ, शेष का ज्ञात करना है, नियम वही लगेगा, लेकिन मैंने इसको अपने मन से नामो भर लाइफिंग क्यों दिया, कहीं पे बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कुछ कुछ में प्रयोग किया गया है, लेकिन ओवर लैपिंग क्यों दिया इसका नाम। तो देखिए, औसत संबंधित प्रश्नों में जब कोई राशि दोबारा शामिल हो जाए, मतलब औसत बराबर क्या होता है योगफल बटा संख्या, लेकिन काउंट करते समय जब कोई राशि दोबारा एक ही को राशि दोबारा शामिल हो जाए तो चेंज हो जाएगा ना, तो उसे ओवरलैपिंग कहते हैं, मतलब वो दो बार आ गया, ओवरलैप कर गया। इस प्रकार के प्रश्नों में दूसरा पॉइंट, इस प्रकार के प्रश्नों में संख्या ऊपर और औसत नीचे रखते हैं, तो बोले सर ये तो टाइप 3 में भी लिखा था, टाइप 4 में, ये तो औसत का नियम है, संख्या या मात्रा को ऊपर औसत या प्रतिशत को नीचे रखते हुए औसत का नियम लगाते हैं। औसत का नियम कैसे लगाते हैं, तो दोनों प्रकार के नियम, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, और दूसरा भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, फिर से इस पॉइंट को समझिए। औसत संबंधित प्रश्न में जब कोई राशि दोबारा शामिल किया जाए तो उसे ओवरलैपिंग कहते हैं, मतलब ओवरलैप कर गया। इस प्रकार के प्रश्नों में संख्या ऊपर और औसत नीचे रखते हुए औसत का नियम लगाते हैं। आपको जब जब क्लास अटेंड मैं करता हूं, मैं बोलता हूं कि आप एकदम क्लास का माहौल बना के पढ़ो, आराम से रूम में अलग से बैठो, कहीं पर भी शांत जगह पे कॉपी पेन ले लो, मान लो कि आप क्लास में बैठे हुए, आपका बेटर तैयारी होगा, आपका मैथ इतना बेहतर हो जाएगा कि आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे नोट्स क्लियर हो गया, अब आइए क्वेश्चन समझते हैं। पहले एक जनरल एग्जांपल समझाए थे कि ओवरलैपिंग होता क्या है। मान लिया जाए कि मैं किसी कक्षा में पढ़ा रहा हूं जिसमें बेंच वाई बेंच स्टूडेंट बैठे हुए, मैं कुछ बांटना चाह तो पहला बेंच से स्टूडेंट को देना शुरू किया, ये 13 स्टूडेंट है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, लेकिन जैसे ही 7 तक पहुंचे उसके बाद पुनः उधर से बांटना शुरू किया, तो इधर से भी 7 तक बांटे, उधर से भी 7 तक बांटे, टोटल है कितना 13, इधर से भी 7 तक बांटे, उधर से भी 7 तक बांटे, तो आपको नहीं लगा कि 7वां जो हो गया ओवरलैप कर गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद उधर से 1 2 3 4 5 6, और फिर यही बड़ा हो गया 7, तो ये देखिए तो 7वां ओवरलैप हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7वां दो बार काउंट कर गया, तो जो ओवरलैप करेगा जो दोहराएगा उसी को ज्ञात करना, एकदम कंफर्म है, उसके अलावा छठा नहीं पूछ सकता, पांचवा नहीं पूछ सकता। तो यहां देखिए, अब हम आपको 2-3 एग्जांपल देंगे जिससे क्लियर होगा, फिर असाइनमेंट का फटाफट देख लेंगे। 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63, देखिए अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या क्या है, तो फिर इस नियम का इस्तेमाल करेंगे। यहां ओवरलैप कर रहा है 13 तो है, शुरू से 7 अंतिम से 7 मिले तो 7 7 14 हो गया, यानी 7वीं ओवरलैप कर गया,
तो ओवरलैप कर गया तो कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों में, संख्या को ऊपर लिखेंगे, संख्या ऊपर, टोटल पहले 13 गो है जिसमें से 13 गो टोटल का औसत दिया हुआ 68, जिसमें प्रथम 7 का औसत दिया हुआ 63, अंतिम जो 7 है उसका औसत है 70, तो सातवीं संख्या, सातवीं यानी कि एक बना जो ओवरलैप कर रहा है वो क्या है, जो दोहराएगा जो ओवरलैप करेगा उसी को ज्ञात करना है। हूबहू जैसे टाइप 4 बनाए हैं, टाइप 4 में क्या नोट्स लिखा थे कि टोटल दिया हो और कुछ दिया रहे शेष का ज्ञात करना हो, टोटल दिया हो कुछ दिया रहे शेष का ज्ञात करना, बोलिए यहां भी उसी रूप में बैठ गया सर, टोटल दिया हुआ जिसमें 7 का दिया और 7 का, लेकिन यहां तो सर 7 7 14 हो गया, आई 13 है, यदि ये रहता 12 तो इसको हम एक प्लस में रहने देते तो 12 आए 13 होता, लेकिन ये 7 7 14 है, लेकिन हमें तो 13 ही होना चाहिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला एक को माइनस कर देंगे। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए पूरे का औसत है 68, शुरू वाला का 7, प्रारंभिक 7 का 63, अंतिम 7 का 70, तो सातवीं, तो सातवीं यानी जो ओवरलैप किया है एक है, तो देखिये 7 7 14 यह 13, बैलेंस करने के लिए एक को माइनस में कर देंगे, देखिए 7 7 14 में से घटेगा 13, इधर भी 13, क्लियर है। अब इसको बनाने का ये जो सातवीं है इसको निकालने का दो तरीका है, पहला एक एकदम सिंपल जनरल तरीका जो आदमी ने भी पढ़ा हुआ है एक बार बता दिए तो बना लेगा, क्या 7 × 63 + 7 × 70 + 7 × 70 में 13 × 68 घटा देंगे। बोले क्यों सर? क्योंकि देखिए इधर वाला योगफल इधर वाला योगफल बराबर ही होना चाहिए, लेकिन इधर चूंकि सातवीं संख्या डबल हो गया इसलिए जो जो सातवीं है उतना ज्यादा आ जाएगा, घटाएंगे सातवीं प्राप्त हो जाएगा, यानी क्या करेंगे ओवरलैप कर रहा है। इसके पहले टाइप 4 में बताया था कि टोटल में से शेष को घटा दो, कुछ जो दिया हुआ ज्ञात कर दो, शेष घटा दो शेष आ जाएगा, लेकिन यहां क्या कर रहे हैं जो उधर दिया हुआ यानी जो ओवरलैप कर रहा है 7 × 63 + 7 × 70 में 13 × 68 घटाएंगे तो सातवीं संख्या। ये तो हो गया सिंपल नियम, मतलब कि जनरल गुना करके, अब दशमलव में रहेगा बड़ा रहेगा कितना गुना करते रहेगा। और आप जानते हैं ऑनलाइन एग्जाम में एक एक सेकंड का बहुत महत्व है, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो एक क्वेश्चन सिखाने में ज्यादा समय लेता हूं, फिर तो स्पीड आ ही जाता है। यहां भी हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वही नियम अपनाएंगे जो टाइप 4 में, टाइप 4 पूरा देखे होंगे, टोटल लेके चलेंगे, हमेशा टोटल ही लेके चलेंगे जो लेफ्ट साइड में, टोटल लेके चलेंगे और मानते हैं कि जा रहा है, चूंकि टोटल दिया हुआ है कुछ का निकालना है तो मानते हैं जा रहा है, यहां भी उसी रूप में बैठा, तो जब जाएगा और आपके हिसाब से ज्यादा लेके चला जाएगा तो आपको घाटा लगेगा माइनस, और कम लेके जाएगा तो प्लस, ज्यादा लेके जाएगा तो माइनस, कम लेके जाएगा तो प्लस। आप बोले 68 लेके जा रहे, 63 लेके जा रहा है, कितना कम 5, आप 68 63 5 कम लेके जा रहा है, ऐसा ऐसा कई गो है 7 गो, तो 7 5 35, तो 35 कम लेके जा रहा है तो फायदा होगा प्लस 35, एकदम वो बहुत चार ही बना रहे। आप 68 70 कितना अधिक लेके जा रहा है 2, अधिक लेके जा रहा है तो माइनस होगा, कितना 7 × 14 तो -14 और बटा में -1, इसके पहले बटा में सिर्फ एक करते थे टाइप 4 में, यहां चुके ओवरलैप करा बटा में माइनस है, 35 + 14 घटेगा तो बचेगा कितना 21, लेकिन माइनस के कारण -21 हो जाएगा, यानी हम लोग का हो जाएगा 68 − 21, 68 में से 21 जब हम घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 47, यानी जो सातवीं संख्या जो ओवरलैप किया है वो आया 47। फिर से देख लेते हैं, टोटल 13 है, 13 का औसत 68 है, प्रथम 7 का 63, अंतिम 7 का 70, तुरंत पता चल गया कि ओवरलैप कर रहा है क्योंकि इधर 13 हो रहा है इधर 7 7 14 हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए -1 जो बचा, हालांकि वो सातवीं ही बचा लेकिन बैलेंस करने के लिए उसको -1 लिख दिया है, अब टाइप 4 के रूप में बैठ गया। बहुत सारे क्वेश्चन आपको 5 6 क्वेश्चन मैं बताया हूं, फिर पूरा सॉल्यूशन टाइप 4 में, टोटल 68 लेके चलेंगे, नियम क्या है कि टोटल लेके चलेंगे, कम लेके जाएगा तो प्लस, ज्यादा लेके जाएगा माइनस, बिल्कुल आप 68 63 5 कम 7 5 35 प्लस, आप 68 70 2 कम 7 2 अधिक 7 × 14 -14 घटा के 21 आया, लेकिन 21 प्लस में आया लेकिन बटा वाला -1 माइनस बना दिया, 68 में से 21 घटा 47, यानी जो सातवीं संख्या जो ओवरलैप किया वो आया 47, 100% क्लियर हो गया होगा। आपको अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं दो क्वेश्चन, क्योंकि आप जान लीजिए किसी भी चैप्टर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को, जितना ज्यादा एग्जाम्पल आपके नजरों से गुजरेगा आपका उतना एक्सपीरियंस और स्पीड आएगा। इसलिए कभी कभी होता है कि कोई चैप्टर पढ़ने में स्टार्टिंग में बोर होता है, इसलिए बोर मत होइए, कंसंट्रेट करके वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, फिर आपको 100% लास्ट होते होते रटा जाएगा बिल्कुल। यहां देख लीजिए 11 संख्याओं का औसत
यहाँ भी ओवरलैप कर रहा, देखिए 11 में 6 दिल है, प्रथम फिर अंतिम 6, तो जैसे दे रहा है टोटल को लिख देते हैं 11 संख्याओं का औसत 10.9, दशमलव से बिल्कुल नहीं डरना है, प्रथम 6 का औसत है 10.5, अंतिम 6 का औसत है 11.4, तो बोल रहा है क्या, तो मध्य संख्या, मध्य मतलब छठा संख्या जो भी बोलिए वो है तो एक एक हो, लेकिन बैलेंस करने के लिए उसको -1 लिखेंगे, मध्य या छठा, छठा संख्या। फिर से आइए, फिर से दोहरा लेते हैं, 11 संख्याओं का औसत 10.9 लिख दिए संख्या ऊपर, प्रथम 6 का औसत 10.5, अंतिम 6 का औसत 11.4, तो मध्य की संख्या, तो जैसे देखे क्वेश्चन तो पता चल गया ओवरलैप हो रहा है, 6 6 12 इधर 11 है, बैलेंस करने के लिए इसको माइनस लिख दे, इसी को तो ज्ञात करना है। क्या नियम है, टोटल लेके चलेंगे 10.9 लेके चलेंगे, कितना लेके चलेंगे 10.9, उसके बाद लेके चल रहे हैं, अब मानते हैं क्या जा रहा है, चूंकि टोटल दिया तो जा रहा है, तो कम लेके जाएगा तो प्लस, अधिक लेके जाएगा माइनस, 10.9 देखे पॉइंट से नहीं डरना, 10.9 ले जाने बोले वो ले जा रहा है 10.5, गौर से देखिए तो 0.4 कम लेके जा रहा है, तो 0.4 कम लेके जा रहा है तो प्लस होगा, 0.4 को 6 से गुना करिएगा तो 6 4 24 2.4 हो जाएगा, लेकिन कौन चीज प्लस। फिर से आइए, आप है 10.9 10.5, 0.4 कम लेके जा रहा है तो प्लस होगा, 0.4 को 6 से गुना करेंगे 2.4 आ जाएगा, अब 10.9 ले जाने बोले 10.4 लेके जा रहा है, 0.5 जा देने, तो आप गौर करिए 10.9 11.4 0.5 अधिक लेके जा रहा है, तो 0.5 को 6 से गुना करिएगा तो 6 5 30 यानी 3.0, लेकिन कौन सी माइनस, अधिक लेके जा रहा है, बाटा में -1 और क्या है, अब 2.4 में 3 घटेगा, यानी हम कह सकते हैं कि यदि 30 में 24 घटेगा तो 6 ही बचेगा, लेकिन 0.6 बच जाएगा, नहीं तो आप घटा दीजिए, घटाए तो 0.6 बचेगा, लेकिन -1 इसको माइनस बना देगा, तो फाइनली हम लोग का आंसर कितना आया 10.10, फिर से कम लेके जा रहा है क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, अधिक लेके जा रहा है तो 6 5 36 क्या हो जाएगा माइनस, 30 में से 24 घटेगा 6, एक अंक के बाद दशमलव हो गया 0.6, तो 0.6 लेकिन माइनस में होगा, सॉरी माइनस, देखिए ना 2.4 प्लस में, छोटा वाला प्लस में तो माइनस, लेकिन माइनस इसको कुछ बना देगा प्लस, माइनस से माइनस क्या होगा कट गए, तो हो जाएगा 10.9 + 0.6, कुछ नहीं तो 0 अब जोड़ेंगे 6 9 6 15 5 10 1 11, फाइनली फाइनली जो छठी यानी मध्य की संख्या आया वो है 11.5। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, लेकिन नियम तो वही रहेगा, मेथड तो वही रहेगा, हम लोग का आंसर हुआ 11.5। फिर से देखिए, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, यदि आप सोच रहे हैं कि हार्ड क्वेश्चन से आप भाग रहे हैं कि ये तो हार्ड चैप्टर है, भारी है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर तो तैयारी करना ही बेकार है, क्योंकि एग्जाम का लेवल आप देख रहे हो, कैलकुलेशन ज्यादा डाल रहा है, दशमलव ज्यादा डाल रहा है, इसलिए इससे आप पीछे भाग नहीं सकते हैं, यदि आपको लाइफ में कुछ करना है तो, नहीं तो सिर्फ लगे रहना है तो वो अलग बात है। यहाँ एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 28 डिग्री तथा अंतिम 4 दिन का, तो सप्ताह में तो तापमान सप्ताह में तो 7 ही दिन होता है, जिसमें प्रथम 4 का दिया हुआ है 28, अंतिम 4 का दिया हुआ है 25, और पूरे सप्ताह का दिया हुआ है 26, तो बोल रहा है चौथा दिन, यानी चौथा दिन बोल सकते हैं, या उसी को -1 लिख देते हैं बैलेंस करने के लिए। बोले क्यों सर, क्योंकि देखिए ये 7 है, ये 4 4 8 है ना, तो अब देखिए ओवरलैप कर गया, 26 लेके चलेंगे, कम लेके जाएगा माइनस, अधिक लेके जाएगा, कम लेके जाएगा प्लस, अधिक लेके जाएगा माइनस, आप 26 ले जाने बोले 28 लेके भाग गया, कितना अधिक 2, कई बार 4 2 8 -8, आप 26 25 लेके गया, कितना कम 1, तो कई बार 4 2 4 1 4 लेकिन प्लस 4, और बटा में -1, 8 में 4 घटेगा तो 4 बचेगा लेकिन -4 बचेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल प्लस, यानी 26 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 26 और 4 30, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चौथा दिन था वो था 30 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, 100% समझ में आया, 3 का 3 क्वेश्चन आपको नोट्सबुक में अपना उतारना है और फिर से बनाना है,
अब हम लोग देखते हैं आपके असाइनमेंट से सॉल्यूशन। अभी तक जो विद्यार्थी असाइनमेंट डाउनलोड नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिलेगा, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस से आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। लगातार सभी चैप्टर का बेस्ट असाइनमेंट आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आइए देखते हैं असाइनमेंट का टाइप पांच का सॉल्यूशन। असाइनमेंट से टाइप पांच का पहला क्वेश्चन और ऑप्शन स्क्रीन पर आपको दिखेगा, मिलाते चलना है, देखना है कि आपसे कितना बन सकता था। पहला क्वेश्चन, किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है, 13 संख्याओं का औसत 52 है, पहले सात का औसत 48, पहले सात का औसत 48 है, अंतिम सात का औसत 58 है, अंतिम सात का औसत 58 है, तो सातवीं संख्या क्या है? सातवीं संख्या तो जरा देखिए, जैसे ही 13 में प्रथम सात अंतिम सात देखे, माइंड में क्लिक हो गया कि ओवरलैप कर रहा है, सात सात 14 ये 13 है, तो बैलेंस करने के लिए इसको माइनस, अभी यही निकालना है, यही आपका सातवीं होगा। बोलिए सर अभी तो आप बताए थे कितना लेके चलेंगे 52, एक ही बात तो याद रखना है, कम लेके जाइए प्लस होगा, अधिक लेके जाएगा तो माइनस, आप है 52 48 कितना कम 4 कई गो है 7 गो सचो के 28 तो माइन प्लस 28 आप है 52 58 6 अधिक 6 सत 42 माइनस 42 बटा माइनस 1। अब 28 में से 42 घटेगा तो माइनस 14 होगा। कैलकुलेशन तो थोड़ा फास्ट करो, देखिए किसी भी टाइप का मैथ बहुत हार्ड नहीं होता, यदि एक ही टाइप के बार 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 5-6 क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसा भी विद्यार्थी हो कभी भी नहीं पढ़ा है आराम से सेट करेगा माइंड में। तो माइनस 14 यहाँ माइनस माइनस कट गया, बस कितना गया 52 प्लस 14, 52 14 जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 66, यानी जो सातवीं संख्या जो ओवरलैप कर रहा है उसका मान होगा 66 जो दिया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को आप गौर करिए तो ये तो टाइप 4 का ही क्वेश्चन दोहरा गया, इस यहाँ सॉरी इसी का टाइप 5 का ही। देखिए पहले तो 20 है, 20 संख्याओं का औसत तो 22 है, जिसमें से पहली 11 दे दिया है, पहले 11 संख्याओं का और आखिरी 11 संख्याओं का औसत क्रमशः मतलब 11 वाला हो गया 23 और आखिरी जो 10 को बचा है उसका औसत दिया हुआ 21, तो बोला है 11वीं संख्या। तो बोले कि सर जी 11वीं संख्या बोला है तो यहाँ भी तो ओवरलैप कर गया, ये 20 है यहाँ 11 10 21 है तो ओवरलैप कर गया तो इसको माइनस 1 क्लियर। फिर वही बात 22 लेके चलेंगे, अधिक लेके जाएगा माइनस कम लेके जाएगा प्लस, आप 22 बोले ले जाने 23 लेके भाग गया, 1 ज्यादा 11 का 11 माइनस 11, आप 22 लेके जाने बोले 21 1 कम तो 1 कम लेके जा रहा है तो प्लस होगा, लेकिन कई हुआ 10 हुआ तो 10 से कहीं 10 और बटा में माइनस 1, अभी 11 में से 10 घटेगा तो 1 बचेगा लेकिन माइनस 1 बचेगा क्लियर है, तो ये माइनस और माइनस कर जाएगा, फाइनली आपका बचेगा 22 प्लस 1 22 और 1 23, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का आंसर 23 हो गया, यानी 11वीं संख्या जो प्राप्त होगा जो ओवरलैप कर रहा है वो होगा 23 ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से ओवरलैपिंग, इसलिए बोलते हैं लास्ट तक देखिए पूरे एकदम रटा जाएगा फिर लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। 15 संख्याओं का औसत कितना है 18, और ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप VBI कर सकते हैं क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, मैंने छाट के इकट्ठा किया है। 15 संख्याओं का औसत 18, जिसमें से प्रथम 8 का औसत 19 है और प्रथम 8 का औसत 19 अंतिम 8 का औसत 17 है, तो बोल रहा है क्या आठवीं संख्या क्या है, निश्चित है आठवीं ही ओवरलैप कर रहा है तो आठवीं को हम माइनस 1 मानेंगे, चूंकि बैलेंस करने के लिए 8 8 16 है 15 लाना है तो माइनस 1, अब 18 लेके चलेंगे कम लेके जाएगा प्लस ज्यादा लेके जाएगा माइनस, अब 18 19 1 ज्यादा तो 8 8 माइनस 8, अब 18 17 1 कम 8 8 तो प्लस 8 और बटा में माइनस 1, अब ये तो जीरो हो गया कट के तो जीरो बटा माइनस रहे चाहे प्लस जीरो ही हो रहा, फाइनली हम लोग का आंसर हो गया 18 प्लस जीरो यानी 18 के 18 ही रह गया, यानी कि आठवीं जो संख्या जो ओवरलैप कर रहा है वो होगा 18, आप अपने ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान दीजिए फिर से, कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 32 है, 11 संख्याओं का औसत है 32, प्रथम 6 संख्याओं का औसत है 34, अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 33, तो बोल रहा है क्या छठी संख्या क्या है, छठी संख्या बोल सकते हैं तो 6 6 12 ये 11 है तो ओवरलैपिंग करने के लिए माइनस 1, बहुत ही इसको हॉट ट्रिक आप बोल सकते हैं और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, बहुत कम ऐसा आपको यूट्यूब पे इस तरीका से मिल पाएगा।
तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही 32 लेके चलेंगे, अधिक लेके जाएगा माइनस, कम लेके जाएगा प्लस, आप है 32 और 34, दो अधिक, लेकिन ऐसा ऐसा है 6 को, तो 6 दूनी 12 माइनस 12, आप है 32 और 33, एक अधिक, ऐसा ऐसा 6 है तो माइनस 6 और बटा में माइनस 12, माइनस 12 माइनस 6 जोड़िएगा तो माइनस 18 आ जाएगा, लेकिन माइनस आई माइनस कट गया तो प्लस बन गया, यानी 32 और 18 जुटेगा तो आ गया 50, यानी कि जो ओवरलैप कर रहा है छठी संख्या उसका मान होगा 50। जो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ ऑप्शन से मिलाइए, 50 दिया ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर गौर करिए, फिर से ओवरलैपिंग, 25 परीक्षणों का औसत कितना है 36, परीक्षण परिणाम परिमाण या संख्या, जिसमें से प्रथम 13 परीक्षणों का औसत है 32 और अंतिम 13 का औसत है 39, तो बोला 13वां परीक्षण, वही 13वां जो ओवरलैप कर रहा, तो बोले सर 13, 13, 26, 25 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, इसी का ज्ञात करना है। नियम तो वही है जो टाइप 4 में है, सिर्फ माइनस 1 हम पढ़ा है यहाँ, 36 लेके चलेंगे, कम लेके जाएगा माइनस, अधिक लेके जाएगा प्लस, आप 36 ले जाने वाले 32 लेके जा रहा है, 4 आपके लिए छोड़ के जा रहा है, कई बार 13, 13 चौके 52 तो प्लस 12, आप 36 बोले 39 लेके भाग गया, 3 अधिक, कई बार 13, 13 3 39 माइनस 39 वटा माइनस 1, 52 में से 39 घटाइएगा तो घटा के 13 बचेगा, लेकिन ये प्लस में बचेगा, लेकिन ये माइनस 1 जो बटा है इसको माइनस बना देगा, तो ये चिन्ह पर ध्यान देना है, तो 36 माइनस 13, 36 में से 13 घटेगा तो 23 होगा, यानी यहाँ पे जो 13वां जो ओवरलैप किया है वो हो गया 23। आप 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन मिला सकते हैं, 23 है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 है, सर अभी तो आप बताए थे ऐसा, प्रथम 4 दिनों का 37 डिग्री सेल्सियस है, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान जो है वो 41 डिग्री सेल्सियस है और पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान है वो 47 डिग्री सेल्सियस है, इसका ऑप्शन में कुछ त्रुटि है तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, हम लोग को ओवरलैप कर रहा है चौथा दिन, ऐसे भी पूछ रहा है चौथे दिन का, तो बोले सर 4, 4, 8 ही 7 है तो माइनस 1, वह सीसी का ज्ञात करना है, 47 लेके चलेंगे, कम लेके जाएगा तो प्लस, आप 47 से 37 10 का 10 चौका 40 प्लस 40, आप 47 से 41 6 का 6 चौका 24 प्लस 24 और बटा में माइनस 1, तो यहाँ पे 47 हो गया और ये दोनों जोड़ेंगे तो 64, लेकिन ये माइनस इसको 64 में है तो माइनस 64, 47 में से 64 घटेगा तो घटाइए 14 में से 7 घटेगा 7 और ये 1 बच 5 में से, यानी माइनस में 17 डिग्री सेल्सियस आंसर आना चाहिए जो क्वेश्चन है उसके अनुसार, यानी क्वेश्चन को आप सही मानते हैं तो आपका आंसर माइनस 17 डिग्री सेल्सियस होगा, आप अपने असाइनमेंट में सुधार लीजिएगा, कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, और नहीं तो फिर हो सकता है क्वेश्चन में कहीं पर अंक पर त्रुटि हुआ होगा, लेकिन मेथड तो आपको समझ में आ गया, मेन कंसेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन तो हम लोग सुधार ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ 6 नंबर का, हम लोग आया माइनस 17 डिग्री सेल्सियस यदि जो दिया उस क्वेश्चन को सही मानते हैं तब, जो कि ऑप्शन से आपका नहीं मिल रहा है, तो अब ये आपको अपने से लिख देना है माइनस 17 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है, अब एकदम हुआ यही इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, एकदम हुआ 6 जैसा, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत सिर्फ दशमलव में है तो डरना नहीं है, 40.2 है, अंतिम 4 दिन का औसत 41.3 है, पूरे सप्ताह का कितना है 40.6, ही आपको बुक में भी मिल जाएगा क्वेश्चन, तो चौथे दिन यानी फोर्थ डे का यानी चौथा दिन का क्या होगा, तो इसको तो हम माइनस 1 ही मानेंगे, इसका क्या होगा यही पूछ रहा है, तो फिर वही नियम, अब तो एकदम रटा आ गया होगा, 40.6 लेके चलेंगे, कम लेके जाएगा तो प्लस, ज्यादा लेके जाएगा माइनस, आप 40.6, 40.2, 0.4 पहले तो यहाँ प्लस ऐसे ही थे, 0.4 कम लेके जा रहा है 4 चौक 16 तो प्लस 1.6 हो गया, आप है 40.6, 41.3, यदि आप ये दोनों को गौर करिएगा तो 6.6 में 0.4 जोड़ देंगे तो 41 बन जाएगा, तो 0.4 इधर से 0.3 इधर बढ़ गया, यानी 0.7, ये दोनों 0.7 अधिक लेके जा रहा है तो 7 चौक 28 तो माइनस 2.8, चूंकि 0.7 को 4 से गुना करिएगा 2.8, अब बटा में माइनस 1, इसको यदि आप घटाइएगा तो 28 में 16 जाता है 12 बचता है, तो 1.2 बचेगा, लेकिन कोचिंग बचेगा माइनस में बचेगा,
लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, चूंकि छोटा सा बड़ा घट रहा है, आज नीचे माइनस ऊपर भी माइनस कट गया तो प्लस हो गया 40.6 + 1.2 जोड़ेंगे 40 + 1 41.62 तो यहाँ पे जो चौथा दिन का आया हम लोग का 41.8 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसका आंसर सही आ गया। तो छठा में हो सकता है कुछ हमको में त्रुटि होगा लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। यहाँ भी सातवां का हम लोग का आंसर 41.8 है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर चौथा आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 11 संख्याओं का औसत 35, प्रथम 6 का औसत 32, अंतिम 6 का 37 और छठी संख्या क्या है। अब तो बस 8 क्वेश्चन ही ओवरलैपिंग का, बोले सर यही काफी है क्योंकि एक ही टाइप का 8-10 क्वेश्चन बनाएंगे तब तो क्लियर हो जाएगा, इसीलिए तो मैं टाइप ज्यादा बना दिया ताकि कहीं पे कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। आप भरोसा रखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपका संपूर्ण तैयारी होगा। फिर से मैं आपको एक रिक्वेस्ट ही कहना चाहूंगा कि जितने जरूरतमंद विद्यार्थी जो वंचित रह जाते हैं कोचिंग क्लास करने से, अभी तो परेशानी का समय है, इसके बावजूद भी या तो पैसों के कारण या किसी भी कारण से वो शहर में रह के पढ़ नहीं पाते, सबके पास आप शेयर करिए, कोई आपसे कहेंगे नहीं, जितने आपके पास ग्रुप है, नंबर है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, सब पर प्लीज 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 शेयर कर दीजिए। अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट करिए, नए विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।